सबसे अच्छा वाला सीन ये तो उसमें आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी कुछ नहीं चल रहा। और आज की वीडियो हो रही है रिव्यू वीडियो, जो कि हम लेकर आए थे डॉलन्स की ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन लेकर आए थे। तो आप लोगों ने तो भाई भरमार कर दी अपनी रिक्वेस्ट की कि हमें इसका रिव्यू चाहिए चाहिए, वो हमें बनाना था जाहिर है, लेकिन हम चाह रहे थे कि ना ज़रा इसको इस्तेमाल कर लें और उसके बाद फिर आपके साथ उसका कंप्लीट रिव्यू भी शेयर करें और उसको यूज़ कैसे करते हैं और ऑनेस्टी के साथ अपना रिव्यू भी शेयर कर दें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने बना ली है वीडियो और ज़बरदस्ती वीडियो बनी है पूरी, उसमें गाइड आपको हमने कर दिया है, तो वो जाके देखिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए जाइए देखिए और बस देखिए जाके। तो जी आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इस मशीन का रिव्यू, और जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी हमारे पास, तो हमने सोचा चले आज आपके साथ शेयर कर देते हैं और इसको यूज़ करने का तरीकाकार भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम ये ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ कंप्लीट रिव्यू शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसको शेयर करने से पहले, अच्छा ये ऑटोमेटिक मशीन हम लोगों ने ली थी डॉलिंस की, ये इसका क्या कहते हैं नंबर हैगा, एक सेकेंड साइड पर तो मैं दिखा दूँ। और यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है क्योंकि ये वॉशिंग एरिया है, ये वॉशिंग एरिया है। तो इसका ये है, ये LBS मशीन है, मतलब ये टच सिस्टम है, हाँ, है ना, टच सिस्टम है जो भी है। खैर ये इसका नंबर है इसका जो कहते हैं होता है, और 10 साल की इसकी वारंटी हैगी, 10 साल मशीन की इस मशीन की वारंटी है। और ये जो पैनल है उसकी 3 साल की, उसकी 3 साल की वारंटी। इसके अलावा इसका दावा ये है कि ये एनर्जी सेवर भी है, मतलब इसमें 38% एनर्जी सेव होती है। अभी हमारा बिल आया नहीं है तो हमें आइडिया नहीं है इसका। हाँ, क्योंकि हमने मतलब इससे पिछले महीने 2 से 3 बार ही इस्तेमाल किया, पिछले महीने क्या 15 दिन, हाँ 15 दिन ही हो गया है। अच्छा खैर मैं आपको बताऊँ, ये ख़रीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, पहली चीज आपके घर में पानी खुला आता हो, ठीक है। हमारे घर में कभी कभी होती है पानी की प्रॉब्लम, तो जाहिर सी बात है हम फिर पानी कपड़े धोते ही नहीं है, लेकिन जिस दिन पानी का दिन होता है हम उसी दिन ही कपड़े धोते हैं, हमें पता है उस दिन खुला पानी आता है। तो हमारे लिए ये लेना बिल्कुल मतलब सही डिसीजन था कि हमने इसको ले लिया, और हमारे हिसाब से ये कम पानी खर्च कर रही है। वो कैसे कर रही है वो मैं आपको लास्ट में बताएंगे, इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हम लास्ट में बताएंगे। अच्छा, उसके अलावा आपका जो वॉशिंग एरिया है या फिर अगर आपका बाथरूम इतना बड़ा है उसके अंदर आप रख सकते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है कि आप इसको आराम से अपने वॉशिंग एरिया बाथरूम के अंदर रख सकते हैं। लेकिन आपका जो वॉशिंग एरिया है उसके अंदर एक टैप ज़रूर होना चाहिए, और अगर इसका जो पाइप होता है वो अटैच होना चाहिए। जैसे ये हमने अटैच किया हुआ है और ये हमने ऑन किया हुआ है, ये हमने सेटिंग करवाई थी, क्योंकि हमारे ना जो ये वॉशिंग एरिया यहाँ पर था नहीं टैप इस तरह का, तो बस एक टैप की ही ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो है तो आपको प्लम्बर भी नहीं बुलाना पड़ेगा, आप खुद ही उसको अटैच कर सकते हैं उसके पाइप को ना। बस इस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्विच होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब पास में बस स्विच होना चाहिए और पास में एक अदद टैप होना चाहिए, करीब ही टैप होना चाहिए मशीन, क्योंकि इसका जो ये पाइप होता है ना ये बहुत लंबा नहीं होता, छोटा ही होता है और मशीन के साथ ही अटैच्ड होता है, मतलब बिल्कुल करीब। हाँ, तो ये पाइप जो है ये टैप है वो करीब होना चाहिए, करीब नहीं है तो आप लगवा लें, या फिर आपकी मशीन ऐसे एरिया में रखी हुई हो या ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर ये टैप करीब हो। खैर हमारे पास जो एरिया था वो बिल्कुल सेफ था, तो हमने यहीं पर ही रखी है मशीन, पहले भी यहीं पर ही रखी हुई थी। अब आ जाते हैं मशीन के इस्तेमाल पे, तो मैं आपको पहले इसको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने ली थी 10 kg की मशीन, क्योंकि हमें थोड़े बड़े साइज़ की चाहिए थी, बहुत बड़े साइज़ की भी नहीं चाहिए थी, 15 kg हाँ, चाहिए वो थी। बहुत ज़्यादा जंबो साइज़ की है, बहुत बड़ी हो जाती है, हमने कोई कंबल वगैरह रोज़ नहीं धोने होते तो इसलिए नहीं चाहिए थी हमें। तो इसका ये जो टब है ये भी काफ़ी बड़ा है, एक साथ काफ़ी सारे कपड़े धुल जाते हैं हमारे। और इसके अलावा इसके अंदर अच्छा ये दिया हुआ है, आप अपना लिक्विड सोप या फिर जो डिटर्जेंट होता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ही डाल देते हैं। ये दिया हुआ है आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं क्योंकि पानी जो है ना वो यहीं से आता है, तो उसी के थ्रू अंदर गिर जाता है पानी। अब आ जाते हैं हम
छोड़ दो उसको, मैं बंद कर दूं, और ये खुद बंद होती है, मुझे सबसे अच्छी बात इसकी है। मतलब वो धड़ आसानी नहीं गिर जाता। हाँ। अच्छा अब आ जाते हैं इसकी क्या कहते हैं इसके ऊपर मशीन के ऊपर। तो आपने करना क्या है, क्या क्या है, तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले करनी है वो ये, एक तो आपने स्विच ऑन करना है, ठीक है, ये इस तरह से लाइट हो जाती है। ये अभी बंद नहीं की थी, नहीं एक मिनट इसको बंद करते हैं फिर बताते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसका स्विच ऑन करना है, ठीक है, वो हम चला ही रहे थे तो वो बीच में से ऑन हो गया था। अभी हमने इसको बिल्कुल खाली कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कपड़े धोने का दिन है तो हमने बोला चलें आपके साथ शेयर कर दें, जल्दी से रिव्यू भी कर ले। ये हमने स्विच इसका ऑन कर दिया है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इसका टैप है ना ये तो आपको खुला हुआ होना, खुला ही रखना है। वैसे अगर ऐसा टैप है कि जो बिल्कुल ऐसा हो मतलब वो यूज़ में आता ही ना हो ना, तो उस पर आप अटैच करेंगे ना तो बिल्कुल ज़बरदस्त बात हो जाएगी। हम इसको खुला रखते हैं, ये इसके लिए लाजमी है क्योंकि ये मशीन खुद ही पानी लेगी, खुद ही पानी लेगी, खुद ही रेंस करती है, तो आपको इसमें पानी वानी का कोई झंझट नहीं होता। हाँ। और एक जो टैप होता है वो सिर्फ इसी के इस्तेमाल के लिए, इसको आप और किसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका जो ये पाइप है इसको आपने नीचे छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है बिल्कुल, मतलब आपने ना ऑन करने से पहले इसको छोड़ देना है। ये तीन काम आपने लाजमी करने हैं, पहले आपने स्विच ऑन करना है, फिर आपने अपना ये टैप खोलना है, इसको ओपन ही रखना है आपने, ठीक है, और ये पाइप नीचे, पाइप अगर आप नहीं गिराएंगे तो मसला हो सकता, तो फिर वो एरर दे देती है मशीन ना। अच्छा यहाँ पर फिर हमने इसको ओपन करना है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अब उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे, ये पावर का बटन है, ठीक है, पावर ऑन कर लिया। अब यहाँ पर ना इसके सारे प्रोग्राम्स होंगे, एक सेकेंड में साइड से दिखाती हूँ, यहाँ पे आ सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको कुछ सेट करना है, वैसे हम नॉर्मल पे ही रखते हैं क्योंकि नॉर्मल पे रखने के बाद क्या होता है, आप अपनी मर्जी से टाइम वगैरह इसका सेट कर सकते हैं। हाँ। कि कितना पानी का लेवल चाहिए, जितने आप कपड़े धो रहे हैं उस हिसाब से पानी का लेवल आपने रखना है, ठीक है। और चाहे तो फिर आप चाहे तो हैवी कपड़े धोने, मतलब मोटे वाले, हाँ, हैवी कपड़े धोने हैं, सॉफ्ट है, इसके अलावा है एनर्जी सेवर है, फास्ट है, वोलन है, और चाइल्ड है, फॉर्म क्लीन है, टब क्लीन है, एयर ड्राई है। अच्छा ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आप प्रोग्राम से यहाँ से इस तरह कर करके आप इसको सेट कर सकते हैं, और इनके सबके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग है, लेकिन ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको ले आती हूँ नॉर्मल पे, हमने नॉर्मल मोड पे ही रखना है इसको। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, जब आप चाइल्ड पे ले आते हैं ना इसको, चाइल्ड पे नहीं सॉरी सॉफ्ट पे जब लेकर आते हैं तो उस पे जो सेटिंग होती है वो नहीं चेंज होती, इसकी तो हो जाएगी, बाकी ये सब चेंज नहीं होता क्योंकि उसका सॉफ्ट का ही एक सिस्टम है, सिस्टम वो सेट है ऑटोमेटिक, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं नॉर्मल पे, क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं वो नॉर्मल मोड पे ही धुलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अच्छा ये ना क्या कहते हैं ड्रायर का है, एयर ड्रायर का, लेकिन हम एयर ड्रायर यूज़ नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको ना। अगर आपको एयर ड्रायर यूज़ करना है तो पहले प्रोग्राम पे भी सेलेक्ट करना पड़ेगा एयर ड्रायर, देन उसके बाद इसको इसकी टाइमिंग आप सेट करेंगे इसको प्रेस करके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इधर वाटर लेवल पे, तो आपने पहले इसको ऑन करना है, फिर आपने इसको ये सेट करना है प्रोग्राम, आपने जो भी लेना है वो सेट मतलब कर देना है। पहले ऑन करने के बाद ना, पावर ऑन करने के बाद पहले आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन से मोड पे आपको धोना है, ठीक है, उसके बाद आएंगे आप वाटर लेवल पे, ठीक है ना। अच्छा वाटर लेवल है, फिर स्पिन है, देन उसके बाद है रिंस है, फिर वॉश है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो एक एक करके आपने इसको सेलेक्ट करते रहना है, सही है। अब जो है वाटर लेवल है हमारे पास, हम ज़्यादातर रखते हैं 5 या तो 4, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। अगर आपको दिखे साइड से क्योंकि बड़ा वो हो रहा है, ये 5 पे रख दिया। अच्छा इसका वाटर लेवल हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम आ जाते हैं इन तीनों फंक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वॉश है, तो वॉश की टाइमिंग आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। मतलब अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, आप समझते हैं 20 मिनट्स चाहिए उसको धुलने में, तो आप 20 मिनट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। लेकिन मैं इसको 15 मिनट पर ही सेलेक्ट करूँगी, सही। और ये आ जाता है रिंस का टाइम है, मतलब खंगालना कि कपड़े कितनी मरतबा ये खंगालेगी, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 बार 2 बार, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ 2 बार के लिए ही सिलेक्ट करती हूँ, अगर कपड़ों पे डिपेंड करता है, कपड़ों पे डिपेंड करता है कितने, मतलब अगर हल्के कपड़े हमें पता है 2 बार में ही इसका साबुन निकल जाएगा तो हम उसको 2 बार में ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम स्पिन के ऊपर,
और उसमें ये 7 मिनट की टाइमिंग है, हम इसको 3 मिनट पे ले आते हैं, 3 मिनट इनफ होता है तो ये हमने सेट कर लिया। हाँ, इसमें ड्राई हो जाते हैं अच्छे खासे। अब ये जब सारे फंक्शंस आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद देखिए इधर टाइमिंग मेंशन कर रहा है ये कि 42 मिनट्स में ही धो के आपको क्या कहते हैं स्पिन करके उसके बाद आपके कपड़े आपको मिल जाएंगे कि बस आप उनको लटकाने हैं और कुछ नहीं करना, सारा काम ये मशीन कर लेगी। तो टाइम आपका बहुत सेफ हो जाता है, बस आपने इसमें कपड़े डालने, सर्व डालना है और सारे काम ये खुद कर लेगी, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और अगर बाय चांस ऐसा होता है घर वाले अगर आपके भूल जाते हैं कि कोई आके टैप बंद कर दे या कोई आके ये पाइप ऊपर लटका दे तो ये ना हैंग हो जाती है, तो उसमें आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने क्या करना है, इसको दोबारा से नीचे डाल देना है पाइप को, अगर ऐसा हो जाता है और दोबारा से आप इसको स्टार्ट कर देंगे, पावर ऑफ करके स्टार्ट कर दें, टाइमिंग उसी हिसाब से सेट कर लें जितना हो चुका है टाइम ना। तो दो मरतबा हमारी यहाँ हो चुका है इस तरह से, तो मैं क्योंकि आदत नहीं होती ना, नॉर्मली मशीन में ऊपर होता है, हैंग हुआ हुआ था ना, इसका पाइप नीचे ही गिरा रहेगा जब तक आपने इस्तेमाल करना, शुरू से नीचे गिरा रहेगा, जब पूरी आप वाइंड अप नहीं कर देते ना अपने पूरे कपड़े धोने का पूरा मामला, जब तक आप ख़त्म नहीं करते जब तक उसे ऊपर नहीं लगाना है। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके बताती हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, इसी से आपने पॉज भी करना है कि बाय चांस आपको लगता है कि आपने और कपड़े ऐड करने इसके अंदर, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं और कपड़े ऐड करके अगर वाटर लेवल आपको बढ़ाना है तो आप वाटर लेवल मतलब बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको ये दिख रहा है फाइव लेवल पे वाटर लेवल ना, और आपने ना आपको लग रहा है यार पानी बहुत कम है, ऊपर से ना डालें, आपने इसको यहीं पर पॉज किया, ठीक है, पॉज करने के बाद आपने इसका वाटर लेवल बढ़ा दिया जितना आपको जितना बढ़ाना है, या इसके अलावा आपको लगता है कि आपको साबुन जो है आपने कम कपड़े डाले, आप दोबारा से सेकंड बैच डालना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करें, टाइमिंग के इससे पहले आके आपने पॉज कर देना है, फिर आपको थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। पॉज करने के बाद आपने जो कपड़े हैं उसको निचोड़ के निकाल लें, देन और कपड़े डाल के फिर इसको स्टार्ट कर दें तो वो धुल जाएगी। मतलब जिन लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि एक ही बार में सारा साबुन ज़ाया हो जाएगा, सारा साबुन, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि क्या है इसका ना। तो इसी से आप पॉज करेंगे, इसी से आप स्टार्ट करेंगे। अब आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, मैं इसको स्टार्ट कर दूं, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, अब देखें इसमें पानी आना स्टार्ट हो गया, और इसमें ना अगर थोड़ा बहुत पानी कम होता है ना या बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये खुद ही खुद एक सायरन सा आ जाएगा, अलग से साउंड करेगी आपकी मशीन की, कुछ समथिंग रॉन्ग ना, क्योंकि कपड़े फंसने लगेंगे तो फिर आप आके उसको चेक कर सकते हैं, या फिर बहुत थोड़ा सा अगर पानी की ज़रूरत होती है तो मशीन खुद ही ले लेती है पानी। यहाँ पे साइड पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे है ये जो साइड पे दिख रहा है ना, यहाँ से भी पानी आता है, ठीक है ना, ये ना इसके ऊपर पानी फेंकती रहती है, कपड़ों के ऊपर कपड़े बहुत अच्छे से धुलते रहते हैं और कपड़े बहुत साफ धुल रहे हैं, हमारे तो कपड़े बहुत साफ धुल रहे हैं। अब इसके अंदर पानी भर रहा है ना, आप चाहें तो इसके अंदर कपड़े जितने आपको ऐड करने वो कपड़े ऐड कर दें और सर्फ ऐड कर दें। हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं इसके अंदर। चलो ऐड कर देने कपड़े आप, या हाँ जी कर दें, जितने ये इसमें पानी भर रहा है हम उसी वक्त ना कपड़े अपने ऐड कर देते हैं सारे। वाटर लेवल कंप्लीट हो गया था, मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि आपको दिखाना था, इसमें कपड़े ऐड कर दिए हैं, ठीक है, और अब अपिया ऐड कर देंगी इसमें सर्फ। इसमें मैं सर्फ ऐड कर रही हूँ, ठीक है, सही है, अभी मैं ऑन कर दूँ? हाँ ऑन कर दो इसको, येरा। अरे मैं सॉरी यार, मुझे वो उसमें दिख नहीं रहा था इसको ऑन कर दिया, ठीक है जी, और ये धुल रहे हैं जी। अच्छा, इसको बंद कर दें या फिर बाद में जब ये होने लगेगा ना, इसका ये वॉश टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आके दिखा दूँगी। अगर आपको हाँ कम लगे तो आप देख के डाल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें मशीन में तो अंदाज़ा ही चलता है, सबसे अच्छा वाला सीन अब हम आपको 40 मिनट्स के बाद दिखाएंगे। हाँ, 40 मिनट्स के बाद नहीं वॉश। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर ये बता दूं क्योंकि ऐसा हुआ था, वॉश टाइम कंप्लीट हो गया था जब ये रिंस पे आई थी ना, उस वक्त आप इसका ये लिड, हाँ ढकना ही कहते हैं ना, ये उठा नहीं सकते क्योंकि सायरन बहुत गंदा बजाती है, क्योंकि उसको शर्म आती है कपड़े खंगालने में सामने नहीं खंगालती वो कपड़े, हाँ, सामने बस आपने इसको बंद ही रखना है, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रोसेस, ये खुद ही सायरन दे देगी और आके आपने इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इसने टाइम बता दिया था 42 मिनट्स का पहले,
अब इसको 3 मिनट हो गए चलते हुए हो गए हैं। और ये अब क्या कहते हैं, जब ये रिंस पे या स्पिन पे आएगी, आपने इसका ढकना बिल्कुल भी नहीं खोलना है, क्योंकि फिर अलार्म बजा देगी, रोक देती है, कहती है बस आप ढकना ढक दें, इसके बाद ही मैं चलूंगी। आपसे छुपा के ही मैंने कपड़े खंगाल लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ थोड़ा सा सर्फ के बारे में बता दूँ कि एक ना लोगों का ये है कि बहुत ज़्यादा पानी ये उठाती है मशीन और सर्व भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका अंदर का टब ना बड़ा हैगा, सही, और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेफ हो रहा है। क्या कहते हैं, अब जब हम हाथ से कपड़े खंगालते हैं, उसके अंदर 2 से 3 तसले एक बैच के अंदर आपका पानी चला जाता है, बड़े वाले उसे खंगालने में, ऐसे खंगाल, मतलब इस तरह से टैप के नीचे रख के खंगालने में ना, मतलब नल आपने खुला छोड़ा हुआ है और आप खंगाल रहे हैं तो कितना पानी ज़ाया होता है, उसके बनिस्बत इसमें कम पानी उठ रहा है, क्योंकि इसमें 2 टाइम का रिंस रखा हुआ है ना, तो जो वाटर लेवल इसमें सिलेक्ट हुआ हुआ है उतना ही पानी लेगी ये दो बारी में उतने ही पानी में ये इसको रिंस करेगी, खंगालेगी कपड़ों को, तो इसके अंदर पानी भी हमारा कम खर्च हो रहा है, हमने इसको नोट किया है। और इसके अलावा हमारा सर्फ भी कम खर्च हो रहा है। सर्फ इसलिए कम खर्च हो रहा है क्योंकि अम्मी जब धोती हैं ना कपड़े, जैसे पुरानी वाली जो मशीन में धोती थी कपड़े, तो उसमें क्या होता था कि अम्मी ने थोड़ा सा पानी डाला, अब ये होता है कि ये वाले कलर वाले कपड़े एक साथ डाल दिए, वाइट कपड़े एक साथ डाल दिए, तो फिर उसका सर्फ फेंका, फिर दोबारा से नए सिरे से पानी डाला, फिर दोबारा सर्फ, केमिकल हर चीज़ डाली, मतलब बार बार ऐड होता रहता है। तो अम्मी का ये वाला कप हैगा, ठीक है, तो अम्मी ये वाले कप को ही उन्होंने नाप बनाया हुआ है, सही। अम्मी क्या करती थी, आधा आधा कप करके, मतलब 3 बार में जो कपड़े धुल रहे होते थे ना, आधा आधा कप करके डालती रहती थी, तो हर बार में आधा कप ऐड करती थी, वो थोड़े से कपड़े धोती थी, इसमें उनको मगरिब हो जाती थी, सुबह से धो रही होती थी कपड़े, मगरिब हो जाती थी धोते धोते, मतलब धोना भी है, खंगालना भी है, सारे काम करने, वो थक जाती थी बहुत ज़्यादा, तो हमारा सर्फ ज़्यादा खर्च होता था। अब ये है, हम एक कप डालते हैं, अभी कपड़े कम थे, मैंने एक कप से कम डाले, ज़्यादा कपड़े होते, जैसे हम तीनों अपने कपड़े धो रहे होते तो हम एक साथ ही सारे डाल देते कपड़े, मुश्किल से हमें 3 घंटे लगते हैं, हमारे सारे कपड़े धुल जाते, सारे टोटल कपड़े, मतलब ये 3 बार हम सेट करते हैं और ये डन हो जाते हैं हमारे कपड़े ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब ये चल रही है या ऑन हो या जो भी है, इसके ऊपर यूँ करके हाथ नहीं, क्योंकि ये टच है, ये हैंग हो जाएगी, ये हैंग हो जाएगी और बहुत बुरा हैंग होती है अगर टच पे, क्योंकि मिक्स सारे बटन पे हाथ लग जाएगा ना, तो बहुत बुरा हैंग होती है, तो थोड़ी सी बस एहतियात की ज़रूरत है, बाकी कमाल की चीज़ है। और कपड़े निकाले तो यहाँ पे खड़ो के मत निकालिएगा, यहाँ पे खड़ो के निकालिएगा साइड से, क्योंकि जब ऑन है तो मशीन ऑन है, क्योंकि वो ऑन ही होती है ना, उधर से तो ऑफ हो जाएगी, वो सारे सिस्टम खत्म हो गया, ऑफ हो गई, लेकिन मेन स्विच से तो ऑन से तो ऑन है ना। ऐसा हुआ था फर्स्ट डे पे, अम्मी ने यहीं से खड़े होकर कपड़े निकाले, तो उसके सारे बटन, मतलब जाहिर है आप झुक के निकालेंगे तो वो सारे बटन दब, जाहिर उस पे पेट आया तो फिर वो हैंग हो गई थी, तो ये वाले एक्सपीरियंस हमें हो चुके हैं, इसलिए हम चाह रहे थे कि ज़रा सारे वाले एक्सपीरियंस ले लें और उसके बाद आपको एक कम्प्लीट रिव्यू दें। जब भी इस कपड़े निकालिए तो लाजमी से करेगा, साइड से निकालेगा, वरना इसमें से, क्योंकि टच है ना, थोड़ी सी एहतियात आपको करनी पड़ेगी। और बस हम कुछ दिन में इसका ना कवर भी मंगा लेंगे, क्योंकि इस पर डस्ट बहुत आती है इसका। हाँ, कवर मंगवाना है, ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी मैं। और इसका ये जो नीचे का जो स्टैंड है ना, ये हमने साथ साथ ही खरीद लिया था, ये वाला स्टैंड। तो खैर, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर अपने कपड़ों में केमिकल ऐड करना है ना, तो आप जब पानी भरते हैं ना, पानी आ रहा है इसके अंदर, उसी वक्त पानी में डाल दें केमिकल और एक बार उसको घूमने दें। अगर आप ऊपर से कपड़ों के ऊपर डालेंगे केमिकल, जिस तरह हम नॉर्मल मशीन में, उसमें तो घूमता रहता है पानी ना, सारा मिक्स हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा होता, इसमें थोड़ा टाइम से मिक्स होते हैं सारे कपड़े ना, आहिस्ता आहिस्ता ही मिक्स होते हैं, तो क्या होगा, आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो आप पहले पानी के अंदर केमिकल वगैरह डाल दें, फिर सर्फ उसी में ही सर्फ डाल दें, और फिर उसके बाद आपने कपड़े वगैरह ऐड करके आप धो सकते हैं। और एक और लास्ट चीज़ बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा एहतियात करेगा, कि जितने भी कपड़े आप इसमें ऐड करें, पॉकेट्स ज़रूर चेक करके इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि कोई भी सिक्का वगैरह, कोई भी इस तरह की मेटेलिक चीज़ ना इसमें फंसनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी बस एहतियात है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, तो आप चाहेंगे कि ये अच्छे साल निकाल ले, बहुत सारे साल निकाल ले, एक इन्वेस्टमेंट कर दी है तो ये बहुत सारे, ये मतलब निकाल ले, तो उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है आपको। हाँ। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों की एहतियात करेंगे, बाकी सुकून वाली चीज़ें बस लगा के आपने जाके अपना आराम से गेम खेलें, इन्जॉय करें, कपड़े धुलते रहेंगे। चले, आप मिलते हैं इसके टाइम जब ये कम्प्लीट हो जाएगा ना, फिर आपसे मिलते हैं। तो इधर ये मशीन बंद हो गई है, बंद मतलब सारे काम हो गए, वॉश, रिंस, स्पिन सब हो गया है। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है ना, तो एक अलार्म सा, अलग सा साउंड, हाँ, देती, मतलब अलार्म सा बजता है, जैसे कि सारी मशीन में काम होने के बाद वो एक सायरन सा बजता है,
सो इसमें थोड़ा ना क्या कहते हैं तमीज वाला बचता है, बड़ा क्यूट सा साउंड बचता है। और मैं आपको कपड़े दिखा दूँ, ये कपड़े हमारे धुल गए हैं, चादर निकाल के बता दो, मतलब ये ऐसी मतलब इतनी वो है, इतनी गीली नहीं है, ठीक है, इतनी सूखी है कि बस आप इसको लटकाएंगे एक से दो घंटे में ये हो जाएगी, ये ड्राई हो जाएगी। क्या कहते हैं, एयर ड्राई नहीं किया, एयर ड्राई करेंगे तो और मजीद बिल्कुल सूखे हुए कपड़े निकलते, बिल्कुल सूखे हुए मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको बस हम एयर ड्राई नहीं करते, ऐसी बस हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो इसको इसी स्टेज पर, मतलब ये मतलब ऐसे हो रहे हैं थोड़े बहुत लाइट से, मतलब वो है कोई ज़्यादा गीले नहीं है कपड़े ना, मतलब सूख गए हैं, लेकिन आप अगर आपको इसको और ड्राई करना है तो आप इसको करेंगे एयर ड्राई, तो उसके लिए करेंगे इसका पावर ऑन, मैं नहीं कर रही क्योंकि हमें करना नहीं है, पावर ऑन करके प्रोग्राम सेट करेंगे एयर ड्राई का, ये ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद एयर ड्राई का टाइम सेट करेंगे यहाँ देर के लिए चाहिए आपको, फिर आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कोई इसमें वाटर का कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपने एयर ड्राई ही करना है। एयर ड्राई का ऑप्शन पहले प्रोग्राम से सेट करेंगे, मतलब उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, देन उसके बाद आपने एयर ड्राई का टाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कितने मिनट का चाहिए, मैक्सिमम हम 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं देते हैं, ठीक है, और एयर ड्राई वो कर लेना है आपने, बस ऑन करके उसे छोड़ देंगे, वो एयर ड्राई कर देगा, और उसमें भी इसका जो ये लिड है उसमें बंद ही रखेगा और खोल के नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ चलती है और बच्चों के बहुत से दूर रखे, ठीक है ना, और बस यहीं पे आप लोग बताइएगा ये आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कैसी लगी, और भी कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो फिर वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे, और वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप, ज़रूर बताइएगा, और उसको वाइंड अप करने का यही तरीका, आपने सारी चीज़ें मतलब कपड़े वगैरह निकाल लिए, वो पाइप को एज इट इज़ वहीं पे लगा देंगे, जो उसका ये है जो जहाँ पे लगता है उसका पाइप वहाँ लगा देगा, उसे बंद कर देगा, और अगर चाहे तो टैप वगैरह आप बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, अगर कुछ रह गया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, गाइड कर देंगे, और बस यहीं पे कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड, आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।